हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी और कुछ की ट्रिंग री। तो मैं एक आंख बंद करके हूँ क्योंकि आप लोगों की कुछ सरप्राइज है। आप लोग देख के आप लोगों का होश हाँ हो जाएगा। तो एक्चुअली अभी सुबह हो गई है। आज थोड़ा लेट उठी हूँ मैं क्योंकि थोड़ा जुकाम की वजह से सो नहीं पाई थी रात को, लेकिन सुबह सो गई थी मैं। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों को सरप्राइज दिखाता हूँ। मेरे आँख को क्या हो गया ये दोस्तों, खोल ही नहीं पा रही हूँ। हंसी भी आ रही है। एक्चुअली क्या आप लोगों को बताती हूँ, मैं कल रात को मैं बाहर गई थी टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम पर। कॉल के उधर मधुमक्खी ने काट लिया मेरे को। रात को कुछ नहीं हुआ, सुबह उठकर देखा तो ऐसा हो गया आँख। ऐसे ही छोटे छोटे हैं। खैर छोड़ो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। छोटी लेकर मेरे को बहुत कैसा अजीब लग रहा है। तो अभी अभी उठी पे ब्रश ब्रश कुछ नहीं है किया। क्या बोल रही हूँ मैं, एक हाथ बंद करके कैसा अजीब दिखाई दे रहा है चारों ओर। तो चलिए पहले ब्रश कर लेते हैं। ब्रश ही है दोस्तों। तो अभी मेरा ब्रश करना भी हो गया, मुंह धोना भी हो गया। एक आँख से वैसे सब कुछ आधा आधा दिख रहा है मेरे को। और तो अभी मैं खाना बनाऊंगी। हमारा घर का तो गैस खत्म हो गया है, तो अभी मैं काकी लोग के घर जाके खाना बनाऊंगी। जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ओ माय गॉड, मेरा एक आँख करना आसा एक आँख मरना आसान हो गया। देखो हम लोग कैसे लाल हो गया। तो दोस्तों आप लोग बताओ, मेरे को अजीब तो नहीं लग रहा है ना ऐसा? नहीं तो बाद में आप लोग मत बोल देना कमेंट पर ऐसा एक आग ऐसे ऐसे हो गया फिर भी वीडियो बना रहा है। मेरे को पता है लुक डस नॉट मैटर, लेकिन फिर भी दर्द कर रहा है इधर इधर, लेकिन वीडियो तो बनाना पड़ेगा। कोई तरीका बताओ दोस्तों, आप लोग कैसा ठीक होगा ये? इधर मधुमक्खी ने कर डंक मार दिया था, डंक। तो चलिए अभी मैं खाना बनाती हूँ। बोलू तो काकी लोग के घर पर खाना बनाऊंगी, क्योंकि वैसे ही बनाती रहती हूँ उनके घर पर खाना, क्योंकि काकी का एक हाथ टूटा हुआ है, मतलब एक्सीडेंट हो गया था तब हाथ टूट गया था। तो ऑपरेशन होने के बाद अच्छे से ठीक हुआ ही नहीं। काकी भी बनाता है, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन इस टाइम पर काकी घर पर नहीं है। काकी अपनी दीदी के घर गया है बुलू को लेकर, क्योंकि काकी की दीदी की तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो एक हफ्ता रहेगा उधर। तो काकी ने बोला कि उसकी थोड़ा भैया लोग के लिए खाना बना कर देना, तो मैं इसलिए वहीं पर जाऊँगी अभी खाना बनाने के लिए। घर का भी बनाऊँगी उधर ही, क्योंकि हमारा गैस हो गया ख़त्म। और ऐसे एक आग लेकर वो भी मेरे को पता है सब लोग देखकर बहुत हंसने वाले हैं। कब छोटा होगा यार, इतना मस्त लगता है ऐसे करके देखने में। देखो तो दोस्तों, और ऐसे होने में क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए खाना बनाना शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, वैसे बहुत बकबक कर चुकी हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने चावल चढ़ा दिया है और अभी दूध उबालने के लिए रखा हूँ मैं इधर। ये देखिए आप लोग, क्योंकि बुनू का दूध लेता है हर दिन 1.5 ग्राम करके, मतलब हाँ 1.5 किलो करके। तो बुनू तो नहीं है, बुनू भी उसके मौसी के घर गए हैं, तो ये दूध गर्म करना पड़ता है। भैया लोग पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। मेरे को तो ज़्यादा पसंद नहीं है, तो लेकिन फिर भी सोच रही हूँ कि अभी पीऊँगी, लेकिन देखती हूँ पी पाती हूँ या नहीं। तो इसलिए गर्म कर रही हूँ, क्योंकि कल रात को ही गर्म करके रखा था, और आज का दूध अभी 12 बजे आएगा फिर। तो चलिए पहले दूध गर्म कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने इधर 1/2 गिलास दूध ले लिया, अब पता नहीं पी पाऊंगी कि नहीं, अभी तो फिलहाल गर्म है। तो दोस्तों आप लोग देखो मेरा घर का हालत, मतलब मेरा रूम का हालत बहुत खराब हुआ हुआ है। तो
तक कुछ नहीं किया। मैं सुबह उठकर सोकर ऐसे ही उठ गई थी, काम करने चली गई थी और बेड ऐसा ही गिरा हुआ है मेरा, अभी भी साफ नहीं किया बेड को। तो आप लोग देखना मैं अभी जादू से साफ करूंगी, कैसे करती हूँ देखो। तो दोस्तों मेरा रूम तो कंप्लीट हो गया है रेडी करना, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और आप लोग पापा का रूम देखो कितना गंदा हालत हुआ है। तो मैं फिर से जादू करूंगी, उसके बाद बताती हूँ मैं आप ये जादू मैंने कहाँ से सीखा आप लोगों को। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को मेरा जादू ये मैंने कहाँ से सीखा आप लोगों को बताने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने ये सीखा अपनी मम्मी के पास, मार खा खा के। काम करना एकदम अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी आदत हो गया है, काम करना पड़ेगा। तो मैंने साफ सफाई कर लिया जादू की चुटकी की, जादू की मदद के सहारे। तो अभी आज से भाई का एग्जाम है मेरा, तो उसने बोला कि दीदी इधर नाम वगैरह लिख के दे दो एंसर शीट, मतलब घर से ही ले जाना पड़ता है बंगाली मीडियम का हम लोग का इधर का। बाकी लोग मतलब बाकी उधर बाकी दूसरे स्कूल का मेरे को नहीं पता, लेकिन मदरसा जो स्कूल का है मतलब सबका ले जाना पड़ता है बंगाली मीडियम का ऐसे आंसर शीट। अभी इसका नाम रोल क्लास वगैरह लिखती हूँ मैं, तो चले लिखते हैं। तो इधर पहले ही मैंने अपना स्कूल का नाम लिख दिया, सॉरी भाई का, मैं भी इधर ही पढ़ती थी। उसके बाद उसका नाम लिखूंगी, क्लास लिखूंगी, रोल लिखूंगी, तो हो गया खत्म। दोस्तों मैं अभी दुकान गई थी और मैंने सोचा था कि लोग देख कर रखो बहुत हंसने वाले हैं, लेकिन दुकान पर कोई नहीं था। और मैं लाडू लेकर आ गई, दो चिप्स, बिंगो टेरे, सॉरी बिंगो टेरे मेरे नहीं है, टेरे मेरे, हाँ बिंगो टेरे मेरे कुरकुरी का। और इधर ये मेरा फेवरेट बप्पी चना। और इधर बाउली लेकर आ गई मैं एक चॉकलेट फ्लेवर और मंची। तो दोस्तों मैं इधर लंच लेकर बैठ गई, तो मेरे लंच पर है चावल और इधर है बाटा माछ का झोल आलू के साथ, और इधर है ओमा बिदोट कोशा कोशा, और इधर है बाटा माछ फ्राई, और इधर है चिप्स लेस जो दुकान से लाई थी वो खाने के साथ, और उसके साथ ये करेला फ्राई। दोस्तों मेरा लंच टाइम हो गया, बहुत पेट दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी खाना तो खाना पड़ेगा क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया आज मैंने, फिर वो दूध पिया था। तो अभी मैं खाना खाने बैठ गई हूँ, तो खाती हूँ दोस्तों। तो आप लोगों को दिखाई दिया क्या क्या है आज मेरा लंच में मेनू, ओमा बिदोट है, बाटा माछ का झोल है, बाटा माछ फ्राई है, चिप्स है और करेला भाजा, तो चले खाते हैं। तो दोस्तों मेरा लंच करना हो गया, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, मैं बाद में नहाऊँगी क्योंकि इतना गर्मी, इतना जल्दी मेरे को नहीं नहाना है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो मैं रेस्ट करने गई थी उसके बाद सीधा मैं उठी शाम को, मतलब आज नहा भी नहीं पाई। आप लोग सोच रहे होंगे कितना गंदा, और मैं फिर से इधर काकी के लोग के घर दूध गर्म कर रही हूँ, इधर चावल भी चढ़ा दिया, और इधर अंकल फिश के सर लाई थी, मतलब मछली का सर, और इधर पत्ता गोभी आलू बैगन उसके साथ सब्जी बनाऊँगी अभी फिश का सर का। तो इधर मछली की सर पर हल्दी नमक मैरिनेट कर दिया, अभी गर्म फ्राई करूँगी। और हाँ ये जो टेस्ट है ना मछली फ्राई का, क्या बोलूँगी आप लोगों के साथ, आप लोगों को मछली फ्राई, सॉरी सर मछली की सर की फ्राई और आलू पत्ता गोभी बैगन के साथ लाबड़ा, ये जो टेस्ट है ना कि किसी में डिश में नहीं है दुनिया में, अलग ही टेस्ट है इसका। तो इधर फ्राई करूँगी, इतना अच्छा सेंट आ रहा था ना दोस्तों, क्या बोलूँगी आप लोगों को, मुँह पे पानी आ रहा फिर से बोलते हुए, और सब्जी भी इतना टेस्टी बना था आप लोगों को क्या बताऊँ मैं। तो इधर फ्राई कर रही हूँ मैं, अभी इसको पलट दूंगी, यू पलटो पलटो पलटो, डर भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा क्योंकि पुडुम बड़ाम फूट जाता है ना कभी कभार मछली फ्राई करने जाते वक्त। तो इधर फ्राई कर रही हूँ, तो इधर फ्राई हो गया अभी, तो इसको उतारूंगी, उसके बाद इसी तेल में सब्जी बनाऊंगी। इधर तो दीदिया मैंने कूट कर रखा था मसाला, मिर्ची हल्दी, सॉरी हल्दी क्या बोले, मिर्ची लहसुन, उसके बाद नमक क्या बोलते हैं उसको, अदरक, और इधर मैंने दे दिया पत्ता गोभी को, इतना सारा हो गया था ढक कर रखा, फिर इधर मैंने नमक हल्दी दे दिया। और इधर बुनू को वीडियो कॉल कर रही थी, मैं बात कर रही हूँ बुनू को वीडियो कॉल से काकी की काकू की मोबाइल पर। और तो इधर मछली की सर को कूट को दे दिया, भूल गई थी आप लोगों को कैसे कूटना वो दिखाना, दूसरे दिन दिखा दूंगी। तो इधर मैं अभी
टिंग 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 टिंग। इसके बाद और थोड़ा ढककर रखूंगी, टेस्टी टेस्टी सब्जी बनेगा। उसके बाद दोस्तों खाने में मस्त लगेगा। आप लोगों को लबई लबई बोल रही हूँ, खाना है तो जल्दी जल्दी आ जाओ, नहीं तो ख़त्म कर दूंगी मैं आप लोग आते आते ही। जल्दी से आ जाओ, खाना है तो इधर मेरा सब्जी बन गया है। हे दोस्तों, तो मेरा खाना वाना बनाना हो गया है, और अब आप लोगों ने देखा ही, मैं रात का खाना बना रही थी क्योंकि रात हो चुकी है, तब दिन को वीडियो नहीं बना पाई मैं क्योंकि पीरियड्स के वजह से इतना पेट दर्द कर रहा था ना, क्या बोलूँ मैं। और आप लोगों को, लड़की लोगों को बताया होगा पीरियड्स पे कितना पेट दर्द करता है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा मेरे को क्योंकि घर पर कोई नहीं है काम करने के लिए, तो मुझे काम करना पड़ेगा। फिर भी काम कर रही थी मैं, लेकिन तब इतना कम मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, इतना पेट दर्द कर रहा था, ऊपर से आग भी ऐसा छोटा है, सब आधा आधा दिखाई दे रहा है मेरे को। तो और इधर छिपकली मेरी बातें सुन रही है। तो आज का वीडियो यही तक था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और आप लोग जो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं अभी भी यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ढेर सारा प्यार दीजिए मुझको, और जल्दी जल्दी से भगवान से प्रे कीजिए कि मेरा ये आँख ठीक हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं इस ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय। अच्छे से रहो सब लोग, कोई अभी मधुमक्खी को अपने आँख में मत कटवा देना मेरी तरह।